मारी छोरी क्या छोरों से कम है के? भाई ये डायलॉग तो आपने सुनी रखा होगा दंगल फिल्म में, जहां पर आमिर खान अपनी बच्ची के लिए कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमको भी कहना चाहिए, नेपाली वुमेन क्रिकेट टीम के लिए भी कहना चाहिए कि हमारी छोरियां भी छोरों से कम है क्या। जैसे ही छोरों ने कमाल करके दिखाया, कनाडा के टीम को क्लीन स्वीप किया, तीन मैचेस में बायलैटरल सीरीज जो चल रही थी उसमें तीनों में उनको एकदम धो के रख दिया। तो इसी के लक्ष्य कदम पर चलते हुए पहले हांगकांग को 8 विकेट से हराया, फिर भूटान को 8 विकेट से हराया। नेपाली क्रिकेट टीम ने आज सबसे बड़ा विस्फोट कर दिया कि रवीना छेत्री ने 118 रन बनाए, वो भी महज 59 बॉल्स में, जहां पर कि 10 चौके मारे गए, 5 छक्के मारे गए, मतलब धुआंधार 200 की बैटिंग स्ट्राइक के साथ में। आपको बता दूं ये जो अब तक का किसी भी वुमेन नेपाली प्लेयर के द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा रन है, पहला सेंचुरी है जो किसी नेपाली वुमेन क्रिकेटर के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। और एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत ही छोटा स्कोर बनेगा, जहां पर कि 4 विकेट ऑलरेडी गिर चुकी थी और 61 रन थे। फिर उसके बाद में जैसे ही रवीना छेत्री आती हैं, रवीना छेत्री और पूजा महतो दोनों मिलकर धुआंधार बैटिंग करते हैं, जहां पर पूजा महतो भी 59 रन बनाती हैं। और जब उसके बाद में जब मालदीव की बैटिंग आई तो यहां पे बॉलिंग में भी उन्होंने कमाल कर दिया, पूरी मालदीव की टीम को जस्ट 13 ओवर में 13 रन पर समेट के रख दिया, जहां पर कि एक्स्ट्रा के 2 रन गए थे, मतलब आप समझ लो पूरी पूरी टीम को बस 11 रन ही बनाने दिए गए। तो आप सोच लीजिए कि नेपाली बॉलिंग का स्तर क्या है, जहां पर पूजा महतो ने 3 विकेट लिए और अस्मिना कर्माचार्यन जिन्होंने 4 विकेट लिए और रवीना छेत्री जो कि बैटिंग में भी जिन्होंने कमाल किया और बॉलिंग में भी उन्होंने कमाल किया, 3 विकेट लिए उन्होंने, 2 ओवर किए। और ये खबर सुनकर आपको कितना अच्छा लगा, कितना प्राउड आप फील करते हैं, प्लीज कमेंट में आप लिखते हुए जरूर जाना। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना।